उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति रणविजय सिंह ने सर्किट हाउस के एनएक्सी सभागार में बैठक करते हुए निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, यह सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का संबंधित अधिशासी अभियंता के साथ एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी भी सीएचसी पीएचसी का भ्रमण कर वहां दवाओं एवं अन्य सुविधाओं की जांच कर लें तथा तहसील स्तर पर भी इसकी समीक्षा कर ली जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग से बांधों पर कराए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली तो संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा संतोषजनक उत्तर न दे पाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडे ने समिति को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर समिति के सदस्य ध्रुव त्रिपाठी, रामावत यादव, रमा निरंजन एवं जय शेखर वाजपेयी सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता तथा समस्त उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि श्रीमती रमा निरंजन मैडम सदस्य विधान परिषद का भी एक और कुछ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में उनका एक और कुछ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि श्री रामावत यादव माननीय सदस्य विधान परिषद है उनका एक और कुछ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा यशवासी सिंह जी का एक और कुछ देकर स्वागत करें। सर हमारे बीच में सर आपके निर्देशानुसार जिला स्तर के सभी अधिकारी जो बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ की तैयारियों में जुटे हुए हैं उनकी हमारी सिविल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला विद्यालय निरीक्षक, मेडिकल हेल्थ, तहसील, इसके संबंध में मैं एक प्रश्न के दूंगा सर आपके सामने जो स्क्रीन है सर उसमें दिखेगा और अपने लोगों को सामने इकट्ठी करेंगे। मैं विधान जसवंत सर यहाँ पे अपर जिलाधिकारी मुख्य राजस्व, मैं यहाँ पे दैवीय आपदा का कार्य देख रहा हूँ। हमारे धनवा बांसवा चोरी चौरा गोला तहसील को आच्छादित करती है। इस हरिणी और गोला तहसील में हमारे रिछड़ी क्षेत्र में पड़ती है सर। कुआनों की लंबाई 23 किलोमीटर है सर। खरनी और बांस गाँव, इसमें वैसे तो पानी सर सामान्यतः कम रहता है, ये जो रेड लाइन जा रही है सर इस पे ये क्षेत्र है इसमें सर जो है बाढ़ आया है। रोहिणी नदी है सर कैंटेनमेंट और सदर तहसील में है, 23 किलोमीटर की लंबाई में सर। इसमें 2017 की बाढ़ में बैठकों के कारण 2017 की बाढ़ में सर इसका भी अस्तित्व लोगों को पता चला था जब इससे बाढ़ की स्थिति हानि और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारे सदर और छोटे छोटे तहसील है सर नहीं है। राष्ट्रीय से जो बेहतर स्थिति में है राष्ट्रीय भी हमारे बाढ़ की स्थिति
की नहीं थी सर, और इस वर्ष भी हमारे यहाँ वाटर लेवल नीचे है फिर भी हम अभी, लेकिन एहतियात सर जो भी उपाय है उसको हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जिला आपदा प्रबंधन योजना 2019 से तैयार हो चुकी है सर, और इसके संबंध में बैठक इलेक्शन के व्यवस्थाओं के बीच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था सर, और इसमें हमारी योजना तैयार हो गई सर, और योजना के संबंध में तमाम ये कार्रवाइयाँ जो की जानी थी वो की जा चुकी हैं, और हमने इसको सर अपनी जो प्रबंधन योजना है सर इसको जो हमारा वेबसाइट है gorakhpur.nic.in पे उसके अलावा एक पोर्टल है उस पर हमारा पूरा जिला आपदा प्रबंधन योजना अपलोडेड है, कोई भी वहाँ से देख सकता है, और सभी विभागों को भी ये कम्युनिकेटेड है सर। फोन कर सकते हैं बता सकते हैं यदि कोई स्थिति आती है। इसी प्रकार अन्य विभाग भी सर इन्होंने यूसी अपना स्थापित कर रखा है के लिए की गई है सर। हमारे यहाँ सर बाढ़ सूखिया राहत केंद्र आठ शिविरों की स्थापना की गई है पूरे जनपद में सर, अधिकारी कर्मचारी लगेंगे सफाई विभाग से लेके चिकित्सा एनजीओ सभी का एक उन्होंने बना के रखा है सर। पूरे जनपद को सर हमने सेक्टर में सर विभाजित कर रखा है, जो ब्लॉक है उनको